जिथे दो या तीन मेरे नाम इकट्ठे हो गए जगह हाजिर होवांगा परमेश्वर तुसी इस जगह हाजिर हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग आज का दिन वेखना चाहते ही पर वेख नहीं सके परमेश्वर थाडी टड़ ते महान कृपा परमेश्वर होई असी उन्हां लोकां नाल चंगे नहीं परमेश्वर थाडी महान कृपा परमेश्वर सानू जीवनियां दी धरती ते जीवंदा रख्या मेरे स्वर्गी पिता तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ ही करदे सीने भैण भाई थाडी हजूरी विच बैठे इक इक दे साथ हो जे दुखी बीमार आए परमेश्वर इस वक्त थाडे नाम शिफा पा तारीफ करो प्रार्थना सुनो तो कबूल करो यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। और मैं भी अपनी जीवन की गवाही दूंगी कि मेरी भी दो हफ्ते हो गए मेरा भी गला बहुत ज्यादा खराब है मेरी आवाज भी बंद हो गई परमेश्वर ने मैनू भी छू के कामल शिफा दीती आ और वो डॉक्टरा तो डॉक्टरा और वो की मदद की मा और हर एक नू छू के कामल शिफा देंदे आ परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर हर एक नू चंगिया करदे आ क्योंकि हर एक दीयां गलतियां वा और गलतियां दी तुसीं जदों माफी मंगदे हो ना उदों परमेश्वर हर एक दी जिंदगी विच काम करदे आ और जिस तरह तुसीं हर एक परमेश्वर दे नाल हर एक भैण भाई इकरार करदा वा और इकरार जो करते हैं ना इकरार पूरा नहीं करते जो मान ला कि फास्टिंग कहें रखने परमेश्वर अं आम करा आम करा क्योंकि तुम काम नहीं मुड़के करते परमेश्वर सू गलतियां की सज़ा देंगे और सज़ा इस तरह देंगे कि परमेश्वर कहें कि वह याद करवाते कि तुम वो काम करो तो तुम बीमारी तो चंगा करा परमेश्वर हर एक चंगा करता और फस्ट जबूर च लिखा वना तनो मनुख जरा दुष्टा की मत उत्ते नहीं चलता देखो हर एक इंसान तो है वा पर दुष्ट की गल ज्यादा मंगते परमेश्वर की गल बहुत सब तो पहले तारीफ करो आज की प्रीचिंग दे खुदा दी दासी तन वचन दे बारे दस रही है कि फस्ट जबूर च की लिखा तन है वो जिहड़ा दुष्टा की मत ते अज दुष्ट ने किन्ने जणा इहनू चर्च च रोक दिता ना जा रहन दे ठंड बड़ी आ तो बंदा बच्चे रजाई च वड़ गए तो उहनू बड़ेवे मिल गए सगों मार पैनी हुण रात नूं भावें आण के मंजी चुक के दूजे बन्ने सुट दे क्योंकि पहले रोकेगा फिर गलती कराएगा फिर तुहाडी तुहानूं सगों परेशानी च पाएगा शैतान ने तुहानूं रोकना कदी उहदी गल नहीं मन्नणी सब खोलो फस्ट जबूर सिस्टर किरण दे नाल खोलांगे फस्ट जबूर और खुदा दी दासी अज प्रीचिंग करेगी आप सब ध्यान दे के खुदा दे वचनां सुणांगे सब जोर दी तारीफ करो खुदा दी दासी दे वास्ते तारीफ करो तारीफ करो तालियां छोटियां तुहाडियां करो करो 2023 दे विच बेस्ट दिन है साडे वास्ते और रब दी दासी प्रीचिंग करेगी तारीफ करो तारीफ है चुक रखो थैंक यू जीसस सब जन अपनी अपनी डायरी से लिखो अज का जोड़ा फस्ट प्लैन है साडा अज आप धर्मी विच ते दुष्ट दे विच अंतर देखांगे धर्मी दे काम केड़े है ते दुष्ट दे काम केड़े है आमीन लिखो अपनी डायरिया ते हाँ जी हालेलुया ये वेखो कि मैं एक तुहानू मैं दस दी हाँ कि जिदा मान लो कि तुसी प्रेयर वास्ते सानू शैतान रोकदा वा कि तुसी प्रेयर ना करो बाकी वेखो कि शैतान की असी गल नहीं मननी असी परमेश्वर की गल मननी आ जे तुहानू प्रेयर तो रोकदा वा तुहानू फास्टिंग तो रोकदा वा बाकी ये काम नू तुसी जिद ना करिया करो क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुसी प्रेयर करोगे
क्योंकि उन्होंने पता कि जो प्रे की इन्हों के व्डे बंधन टुटने आ इन्ह के जोड़े ताे मतलब कारोबार रुके आडे खुलने प्रे के नाल ही खुलने आ। बाकी वेखो जे मैं सवेरे जो सुबह उठती हाँ ना मेरी आदत कि मैं छे बजे मैं उठती हाँ तो चाच मरीक होनी चर्च लाने मैं उदो मैं प्रे तो बहना हूँ मूँह धो के फिर मैं क्योंकि हाँ परिवार जो सारे लेट उठते हैं मैं साढ़े अठ बजे तक मैं प्रे तो बहनी मुड़ के फिर उस तक क्योंकि मैं उठती नहीं मैं क्योंकि मेरे बाद मेरा टाइम बिल्कुल घट लगता वा कि मैं बाद पहलों परमेश्वर को समा दिनी क्योंकि जिन्हें भी मे भैन भाई ने परमेश्वर को पहल दिया करो परमेश्वर जे पहल दोगे तो परमेश्वर तुहानू भी अगे पहल देगा। समझ नहीं आ रही जो डायलॉग बजता ताली अपने आप बजती है जे फस्ट जबूर च लिखा वा ना कि तनो मनुख जो दुष्टा की मत उत्ते नहीं चलता वेखो एक इंसान वा भैन भाई भाई भी ला लो शैतान कहिंदा कि ठेके जा ठेके ते जा उन्होंने उस वक्त उधर तुर पैना वा कहिंदे पैग ला उन्हें पैग लाउणा क्योंकि उहदी गल नहीं मननी कि तुसी नशे करोगे क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान को नशिया तो आजाद कर दे। आजाद किदा कर दे जिस तरह मान लो तुसी संडे दे विच हुण भैन भाई के काम दे भी गए आ काम नू इग्नोर करोगे जे परमेश्वर दे संडे हर चर्च दे विच आउणगे ना परमेश्वर हर कारोबार दे विच तुहानू ब्लैस करगा अगले दिन ही ताड़ी गवाही बनाएगा। परमेश्वर वास्ते कुछ गवाउणा ना ते फिर ही ओ कुछ देवेगा ना जे हुण कई जांदे ना चर्च च जे संडे सानू पैसे मिलने आ उत्थे गाड़ी उहनां दा वी नहीं काम बनना जे तुसीं चर्च जाओगे ते ताड़ा अगले दिन परमेश्वर काम बनाएगा। तारीफ करो रिसीव करते जाओ वेखो परमेश्वर नाल भविष्यवाणी हो रही है। हैवन म्यूजिक लगा दे। हाँ जी हाँ जी तन है ओ मनुख जेड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा अते ना मखौलियां दी जंडी विच बहिंदा है। आमीन। इहदे विच दस्सिया गया वा कि जिस तरह मान लैके इक टोली आ बांदी आ टोली जिहदा खलोती आ तन ओ मनुख जेड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा पापियां दे राहां विच खड़ा ते पापी किहड़े आ मान ला कि तुसी चर्च आउण डे हो रात रस्ते दे विच कोई खलोते आ तुहानू ओह रोक लैंदे आ क्योंकि उहनां दे विचों दी शैतान ने तुहानू की आ रोकिया वा। बाकी ओह गल नहीं तुसी मननी ना शैतान दी गल मननी ना इंसान दी गल मननी। मैं तो इक्को गल कहनी आ कि जे मान ला चर्च च भी कोई बुरा बोलदा जां कितें भी तुहानू बोलदा वा उहदियां गल्लां वल ध्यान ना दिया करो तुसी परमेश्वर दियां गल्लां वल ध्यान दिया करो। लड़ाई झगड़े जो कलेश सब छड़ दो एक दूजे नाल प्यार करोगे ना तो फिर ही तुहानू प्यार ही परमेश्वर ने सिखाया वा तो तुसी भी प्यार करो जे तुहाडे च प्यार ही नहीं हैगा तो परमेश्वर नहीं तुहाडी जिंदगी दे विच हैगा। एक परमेश्वर प्यार वा एक दूजे नाल की प्यार करो। मैं तो संतां नू इक्को गल कही मैं संत जी तुसी नहीं किसी की गल करनी ते जे कोई गल तुहाडे नाल करदा भी तो उत्थे गल नू सुट दो क्योंकि आ जिहड़ियां गल्लां सुणदे ना ये घाटे आ परमेश्वर जिहड़ा प्रेत रोकदा ना एक जे मान ला दासा ने प्रे करनी आ उन्हां दे विचों जे कोई भैन भाई आ गया फलाना किदां दा ढींगड़ा किदां दा मैं इक्को गल कहनी नहीं ये गल ना तुसी करिया करो जे गल करनी आ तो कोई सही तरह गल करो क्योंकि ये तो पर दासा ने मान ला प्रे कीती भी आ वो प्रे जिहड़ी कि नहीं व्यर्थ जांदी आ। बाकी ये गल्लां मतलब भैन जी तुसी ध्यान ना दिया करो प्रे करिया करो और परमेश्वर दे विच मान ला जिस तरह 2000 तुसी 22 च नहीं कीता 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾ। ਜੇ परमेश्वर के तुसी कानूना दे चलोगे ना तो व्यवस्था फिर ही परमेश्वर दी साढ़े जीवन दे विच वचन होना बहुत ही जरूरी आ। जिहदे जीवन दे विच वचन नहीं ना हैगा वह परमेश्वर का समझ लो कि एक कहते एक खाली आया वा कि मतलब कोई जे मान लो जे धरती ते इंसान नू परमेश्वर ने भेजिया वा ना उन्हें कोई ना कोई मतलब वास्ते भेजिया वा ठीक है ना। परमेश्वर ने भेजा वा कि बच्चे मेरी जाके महिमा कर तो बच्चे की इतने कर डे वो अपने काम कर डे कोई बुरिया कामों के वा कोई किस काम च वा वो अपने अपने कामों लगे आ परमेश्वर वाल तो किसी का ध्यान ही नहीं हैगा ठीक है ना।
एक मान लगे जे शैतान हर एक दे जीवन दे विच बुरे विचार पाउंदा वा, पर असी उहदे बुरे विचारां वल नहीं चलना ते ना उह बुरे रावां वल जाना ही आ। असी चंगे परमेश्वर दे काम करके जाना वा, और धरती ते हर एक इंसान याद करेगा ते परमेश्वर ही उहनूं एक एक आंदे ने इंसान बड़ा चंगा वा, उहनूं सारे याद करदे आ, ते जिहड़ा बुरा वा चंगा होया वा उह नहीं सही हैगा दुनिया ते। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਚੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਫਲ ਕੀ ਦਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਲ ਦਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਠੀਕ ਵਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਸੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ 7 ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ 7 ਦੇ 7 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਸੰਗ ਲੱਤ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਆ ਕਿ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਔਰ 23 ਦਾ ਮਸਾ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ 23 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੱਭਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਆਮੀਨ। 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਆ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਫੋਰਮ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਈ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ 100% ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ, ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ 120 ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ 120 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ,
उन्हें वे कहते हैं नील इदा नहीं काबू आएगा क्योंकि वह परमेश्वर के नाल हर वक्त वफादार सी। उन्हें सोचा हूँ यदि विविस्था के पसा की आ जिदा खुदा दी दासी बोल के गई विविस्था। विविस्था का मतलब अलाओ कानून। ये जिहड़ी बाइबल पूरी कानून के नाल की आ ये परी आ। इनू मनते रहोगे तो तुहानू प्रभु बेस्ट लाइफ देगा। इनू तोड़ोगे तो तुम फसोगे। किन लोगों को समझाई है? हाँ चलन दे यार बंद ना कर उस जुमी है। हालेलुया चलन दे म्यूजिक नू जो चल रहा अच्छा लग रहा पिछे क्योंकि मैं म्यूजिक तो बिना पिछे प्रचार मैं वधिया लगता पिछे सिंगल वाज उदा नहीं मैं चंगा लगता पिछे म्यूजिक चलता बेस्ट लगता। और मेरे भैन भरा सुनो हुण तेई साढ़े ते चढ़ गई है तो किन्ने आप चाहते हाँ वधिया जीवन जीना कि टीकिया वाला जीना चाहते हैं क्यों रवि तेरे लगता चूल्हे च टीके लाने पैने तू सानू सब तो ज़्यादा तंग करदा वा। तू वे दिन से भी नहीं कि नज़र आया ना तू नवे साल से दिखा क्यों संत जी जिन्हें भी बंदे आ मेरे भैन भरा भी अगो खुदा की दासी बोल गई आ अं कि नाराज नहीं आई है ही नहीं नाराज के ना ये दुष्ट पाँगा मन च गल फास्ट न क्यों नाराज हूँ मैं असी अपने भैन भरा वाली दवा करते कि नाराज नहीं आप प्रभु के राज नू की करना वड्डा करना कि नहीं। जो शायद ही किताब च लिखा परमेश्वर ने की आख्या अपन तंबुआ नू की कर चौड़ा कर। तो जो मैं बुधवार एक मैसेज पाया से किन्ने लोगों ने उस वीडियो नू वेख्या बुधवार 23 का मैसेज जिशाया की किताब जो 52 नू पढ़िया किन्ने लोगों ने याद रख्या जाग जाग अपना बल तारण कर अपने बल नू आप ही तारण करो। प्रभु ने नहीं करना किन्ने लोग सुनते लड़ना तो जितना ये ताडे ते आ सारे बोलो कि मैं 22 च भी सिखाया 23 च होर ज़्यादा सिखावगा क्योंकि प्रभु ने कुछ नहीं जे करना प्रभु ने रजाई चो चुक के बाहर नहीं कढ़ना। सारे बोलो प्रभु ने रजाई चो नहीं कढ़ना रजाई चो तुहानू आप ही निकलना की आ। फिर जो आप निर्गमन सॉरी निर्गमन नहीं नीति वचन नीति वचन जो 6:6 नू पढ़ते हैं उत्ते की लिखा हे आलसी कीड़ी को जा जिदा ना को आगू तो ना कोई हालेलुया की कहता हे आलसी कित को जा कीड़ी को जा तो दे राह नू पछाण ते सियाणा किन्ने लोग सुन रहे आ आलसी किनू कहते मेरे भैन भरा समझ आ रही है आपां नू सारयां नू। अज दा मैसेज बड़ा सुपर आ स्टार्टिंग कितों ही कि तानो जिहड़ा दुष्टां दी मत ते तो 22 दे विच ते आपां बड़ी मत ते चले आ ठंड बड़ी ही है किराया नहीं हैगा कम नहीं हैगा। हुण परमेश्वर की कहिंदा आंदा तन है वह मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत ते। प्रभु ने कहा तेई च मैं तेनू तां तन कहिंदा ही जे तू उहदी मर्जी ते जे तू ओ वेखो अपना मंगलानी कोट वाले बड़े बेस्ट आ रहे आ तारीफ करो परिवार दे वास्ते मगलानी कोट वाले परिवार दे जोर दी तारीफ करो। जिन्ने लोग वेखो आ रहे आ ठंड च आ रहे आ बच्चों नू लैके आ रहे आ खुदा तुहानू नुकसान नहीं करन देवेगा जिन्ने लोग सुनते आ। तुसीं मत सोचो इत्थे आना साडा व्यर्थ आ नहीं अगली साइड ते लिखिआ ना पापियां दे राहां विच खड़ा रहिंदा ते ना मखौलियां दी चुंडी विच लिखिआ पर ओह यहावा दी विविस्था विच मगन रहिंदा अते दिन रात उस दी विविस्था उत्ते ध्यान किया। विविस्था जिहड़ा प्रभु दा बंदा वा वो कल्ला चर्च विच आण के धर्मी नहीं आ वो घर विच भी धर्मी आ वो कमरे च भी धर्मी आ वो बाइबल पढ़ के हर गल करदा उहनू पता मैं गवाही बनाउणी है मैं चमकणा 2023 दे विच तुहानू पता फिर की करना पैणा। तो जिहनू पता ਤੇ ਮੈਂ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਬਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਸਫਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ
अज बहुत सारे लोग कहेंगे खुदा दे दास कहते साडे पास्टर सैमुअल जी कहते जो मेरे पास्टर नहीं सा मैं विश्वासी सा कहता मैं चर्च चो जो चर्च जाता जी कि थाई चर्च रहा खुदा का बंदा कहता कोई भैन मैनू मिली तो कहता मैं आ रहा मैंने पुछती भाजी जय मसीह दी उन्हें कहा जय मसीह दी भाजी कितों आए तो कहता मैं क्या मैं चर्चों आया तो की कहती कहती तो अजे भी उत्ते जाते जी सारे बोलो तुम भी कहो एक दिन तुम भी एक दूजे को बोलो बोलो तुम अजे भी उत्ते जाते जी कहता तेरा मतलब कि तू छता तो मम्मी की करता तारीफ करो जोर दे नाल ताई लिखा तन है वह जरा दुष्टा की मत से इतने शैतान क्यों नहीं आन दिता उन्होंने पता किलिया जेडे बंधन तोड़न वाले भेत यो बंदा दादा वा मैं रोज़ कहता मर जा तू मरदा नहीं तेन इदा हो जाए तेन फलान हो जाए तेरे डैडी आ हो जाना ही तेरी घरवाली आ हो जाना ही तेरे मुंडे इदा हो जाना ही इस तरह के गंदे विचार पाँगा चर्च की तो बार की कोई जनानी नहीं छी जी मेरे नाने ही रगड़ी ने एडा गंदा लुच्चा एडा है मैं क्या शैताना तू जो मर्जी कह मेरिया तो भैन उन्हें मेरिया भैन ही रहना वा मतलब तू प्रभावशाली प्रेयर नहीं कर देगा शैतान प्रभावशाली का मतलब तुम प्रेयर करते करते भी नैगेटिव रहोगे यार मैं प्रेयर तो करने यार माड़े विचार क्यों मेरे मन च आए मैं प्रेयर करना यार मरण के ख्याल क्यों आते छोटे तो बच्चों तो लैके तू हर एक भंड देगा दुष्ट एडा कुत्ता वाए समझ आ रही क्योंकि जो मैं कानवे जबूर भावें मन च भी पढ़ा ना नाल ही गंदे विचार स्टार्ट कर देता इन हूँ अग लग इन पता लग गया भी इन्हें प्रेयर की कर दी है रात मैं खांसी लाई मैं क्या कोई नहीं पुत ला जरा खांसी उन्दू तू ला मैं जो करना कर यार फिर मैं एक चेता आया बड़ा पुराना जो मैं कटिंग करता ना उ एक मुंडा छोटा जहाँ उन्हें खंघ पड़ी सानू आनी तो उन्हें कहना यार जो खंघ आनी ना तो खंड लागे रखिया करो तो वेखो तो लभू नहीं खंघ रात फिर मैं रखी कौली खंड की लागे चूसी गया खंड प्रेयर करी गया खंघ लभी नहीं कदम नहीं भज गई तुम वेलो एक बार भी खंघ आई जो खड़ा इतनी क्योंकि रात ही खात्मा की आ प्रभु ने कर दिता वह खात्मा मैं प्रभु को पहले कहा मैं क्या प्रभु कल मैनू दिन भी बेस्ट लगना चाहिए परमेश्वर कल मैं वर्शिप करनी है तो प्रभु ने रात होना प्रभु बोलता नहीं सुनो तू ये ना कहो भी प्रभु की आवाज़ नहीं आई यार मैं तेन ठीक करता आवाज़ का मतलब हों गवाही बन गई तो समझ लो आवाज़ की आ करो करो तारीफ इस करके मेरे जीजो तुसी जिन्ना प्रभु के नाल ज़्यादा प्यार करोगे जिन्नी प्रेयर करोगे ये उन्ना ही तुहाडे मन च मरन दे ख्याल पाएगा एक्सीडेंट पाएगा आ जनानी तेरे ए गलत हो जा वे इनू ये वेख ला ये किदी चाल आ ये किदी आ ये डेवल डेवल शैतान जिहड़ा तुहानू दिमागी टेंशन दे तुसी पता कहना यार प्रेयर भी करदे गंदे ख्याल कहिंदे आउन तो उहनू अपना काम कर दो तुसी अपना काम की आ तुहानू पता तुसी कित्थे चल रहे जे उह तां है ही झूठा ते झूठां दा की है हालेलुया अगली साइड तक लिखा लिखा जेड़ा सिर अपना फल देंदा जिदे पत्ते नहीं कमलोंदे अते जो कुछ करे सो सफल होंदा है सब बोले आमीन हुणे कौन आ एक बेस्ट व्यक्ति है जेड़ा खुदा दे विच हजूरी चाहुंदा जेड़ा वर्शिप करदा जेड़ा अपनी कमाई दा दसवां हिस्सा देंदा अपने हर एक रोल नूं मेनटेन करदा सही करके मतलब कि को काम नहीं करना जिते बीज का काम उत्ते बीज देना जिते प्रेयर का काम उत्ते प्रेयर करनी जिते वर्शिप का काम उत्ते वर्शिप किया क्योंकि हर काम का एक की है आमी हर काम का एक मत बले अगले क्या अतुष्ट अजगे नहीं पर वो पौ वर्गे हैं जिन्हों पौन उड़ा के लै किया हालेलुया पौन के बारे किन्ने लोग जानते हैं एक हथ खड़ा पौन कहते हवा नू आप कहले कहने यार यार आ बंदा वेला ये झूठ भी मरी जाता है ये किन्ना ब्लैसड आ अही तो यार सच्चे बन के की हटे तो घर की मंजी भी नहीं हैगी लोगों का विचार पर बैबल नूं ध्यान दे के पढ़ो 73 जबूर जो पढ़ोगे ना तुहानूं अखां खुलणगियां तुहाडियां दुष्ट नूं सफल हुंदा ना वेखो जो 92 जबूर तुसीं पढ़दे उहदे विच कैद आ लिखिया ये कैद पढ़ा हाँ पिछों पढ़ो 92 जबूर कटो जरा सारे कटो 92 जबूर कभी भी किसी सफल कोई चिट्टा पाउडर वेचता कोई माड़े काम करके सफल हो सफलता ना वेखो उन्होंने एक दिन डिगदा तो बजदियाँ वेखो कि फिर तुम पता लगू कि मैं सही हाँ ये गलती
इस टाइम लोगों सारे वो वधिया लगते यार उसकी बड़ी तरक्की है, उन्हें बड़ी तरक्की की, उन्हें आ कर लिया। तो जितने ढटना ना एक मिनट ज फिर वेख्यो आए कोई ऐत वेखो तुम सिखाई अच्छ मैं तेन दुष्ट के धर्मी के बारे दसागा जल्दी जल्दी समाप्ति करेंगे बस क्योंकि समा बहुत ज्यादा हो गया। जिहड़े दूसरिआं वल वेंदे यार इन्ने आ वेच लिया वेला, इन्ने शराब वेच ली, इन्ने फलान वेचता, इन्ने आ कर लिया, इन्ने आ बना लिया, वो ज्यादा चिर नहीं टिकेगा है। हुण इत्थे की लिखिआ फिर तो पढ़ियो। हाँ हाँ कि जदों दुष्ट घा वांगू फुटदे हन, लिखिआ दुष्ट जदों घा वांगू फुटदे हन अते सारे बदकार फुलदे फलदे हन। सारे बदकार सारे बुरे लोग जदों फलदे आ ते धर्मी भी उहनां नाल वेख सोचदे यार दौद भी सोचदा ते तरजबूर च दौद कहिंदा जदों मैं दुष्टां दे सलखण पुणे नूं वेख्या ते मेरे डग जिहड़े की करन लगे की करन लगे आंदा पर मैं जो हाँ मेरे पैर फिसलन आते मेरे कदम तिलकन लगे कि जद मैं दुष्ट दे सिलखण नूं डिठा तां मैं उन्हां हंकारियों ते खुनस कीती। की कहिंदा दौद? दौद कहिंदा जदों मैं तगड़ियां नूं वेख्या ना ते मेरे जिहड़े पैर आ तिलकन लगे। की कहिंदा? आंदा तिरैत आंदा सचमुच मैं व्यर्थ दिल नूं शुद्ध कीता है अते निर्मलताई विच अपने हाथ धोना हाँ क्यों जो सारा दिन मैं मार खांदा रहा अते हर सवेर नू मेरी ताड़ना हुई। ये कौन कह रहा? दौद किनू कह रहा? कहता प्रभु मैनू सवेरे भी ताड़दा, मैनू शामी भी ताड़दा, मैं अपने हाथ जिहड़े निर्मलताई विच धोते। इहदा मतलब तुसीं समझणा एक जिहड़ा धर्मी बंदा जदों दूजे बंदे नूं कहिंदा यार उहदे कुड़ियां दे नाल भी गलत आ, यार उहदे चोरी भी करी जांदा वा, यार उहनां टीवी भी घर चलाया वा, उह ना भी लाया वा, ते यार उहदे कोई चक्कर ही नहीं। ते साडा पास्टर ते सानूं आंदा पवित्रताई जरो पवित्रताई जरो पवित्र ही बणी जाओ है। इहो गल दौद कह रहा पर इहनूं पता कदों लगा जा के की लिखा अगे कहिंदा जे मैं आखता हाँ कि मैं इस तरह दसा तो वेखो मैं तेरे बच्चों की पीढ़ी नूं धोखा देंदा हाँ। जो मैं इस नूं समझण लई सोच कीती तां ओह मेरी निगाह विच बहुत बहुत औखी मलूम होई। आमी कहिंदा जदों मैं समझ लाया ना दिमाग यार ये की करदे आ ते कहिंदा मेरी समझ विच कुछ भी नहीं आया। हुण जिहड़ा बंदा हुण जिहड़े चर्च च नहीं आउंदे जिहड़ा बंदा सड़क ते खलोता जिहड़ा गलत मूवियां मोबाइल च वेंदा उहनूं की पता लगा प्रभु कौन ते परमेश्वर दे काम कहिड़े? शैतान दे काम कदों लभदे आ? जदों दी बाइबल पढ़नी की करदे। आमी जदों जिन्ने बंदे ने शैतान दे केस फड़ने आ सुलेमान दीआं कहावतां नूं शुरू कर दो एक तो लैके 31 तक समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिन्ना चिर तुसीं चर्च विच नहीं आओगे सही चर्च विच जिथे पूरा प्रचार खड़का के दिता जाता जिथे कोई भी लिहाज नहीं आ उस चर्च जाण के तुहानूं जिंदगी की समझ लगनी जे ओए मैं करना की फिर तुहानूं पता लगना तुसीं मत कि चलते जे चर्च कल्ले आउंदे नाल आपां क्रिश्चियन नहीं आ। शैतान पता की आंदा कोई नहीं चर्च भी जाई जा करी जा नाल पुठे काम कोई नहीं उहनूं पता तू चर्च चल जा मैनूं कोई टेंशन नहीं काम तो मेरा ही होण डिआ। वो डकेगा कभी? वो चर्चों भी नहीं डकेगा। उन्हें कहना चर्च भी चल तो मर्जी कि कर पर बैबल च लिखे तन वो जो मर्जी से समझ आई कि नहीं आई? हूँ अगली साइड से की लिखा सुनो लिखा जद तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में ना गया तद मैं उन्हों का अंत समझिया। आता जद तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में ना गया तद मैं उन्हों का अंत समझिया। कहिंदा मैनूं उन्हां दे अंत का कदों पता लगा जदों मैं चर्च में गया जदों मेरा पास्टर प्रचार कर रहा मैनूं पता लगा ये तो गलत काम करते आ एक दिन ये फस गई आ रहे आ। की लिखिया? आंदा सचमुच तू प्रभु नूं कहिंदा दौद कहिंदा सचमुच तू उन्हां नूं तिलकण वालियां थावां विच रखता है अते तू उन्हां नूं बर्बादी विच सुट देंदा है। वो छिन मात्र विच
किहो जे उजाड़े गए अते मुक गए अते भैजन नाल मिट गए। सब बोले आमीन। किधर गए? समझ आई कि नहीं आई? परमेश्वर का दास की कहता कहता प्रभु तू सचमुच उन्हें तिलकण वाली थावां ते रखदा जेडे वाइट फलान टींग कहता मतलब जेडे दो नंबर की कमाई दे नाल अमीर की हो रहे ने ते साडे धर्मी वेख वेख के हाय सानू तो यार कख भी नहीं मिलता। परमेश्वर ने की बोलिया कहता उन्होंने गलत कमाई वाल ना वेख तो कहता तू सचमुच उन्होंने तिलकण वाली थावां। अज एक गैंगस्टर बंदा जे माड़े काम करता कदी अद्धा सड़क से घूम सकता तुम मैं दस दो बोलो भी जिहड़ा बंदा गैंगस्टर है जिहड़ा बंदा गलत आ वह कभी घूम सकता उन्हें बुलट प्रूफ जैकटा क्यों लेंदे आ बुलट प्रूफ गड्डिया क्यों लेंदे आ क्यों जेलों च रेंदे आ पता नहीं किन्ने किसी वक्त उन्होंने गोली की कर देनी। समझ आई कि नहीं आई? इस तरह दौत कह रहा कहता प्रभु तू उन्होंने आंता मैनू कदों समझ लगी जो मैं चर्च में गया जो मेरे खादम ने मैनू वचन कट के दिता भी मैं जिन्ना वे वे के सोचता भी ये बड़े ब्लैस आंता ये तिलकण वाली थावां पता नहीं कितने पैर की हो जाना। ताली भैणा इन्हें पिछले साल च भी बड़ी तरक्की की इन्हें बहुत तरक्की की प्रभु कहता तरक्की नहीं हूँ ये पता नहीं कि वे पैर की हो जाने। समझ आई कि नहीं? हुण किन्ने लोगों ने समझ लगी है? कभी भी मीर वाल वेख के जिथे एक कोठा ना चुप करके धन्यवाद करो परमेश्वर तुहानूं दूजा भी देवेगा जो वे बने रहोगे जिन्हें लोग सुनते हैं क्योंकि प्रभु वेच कीती मेहनत कभी भी व्यर्थ। हुण जे तुसीं मीरां नूं वेखो फलाना मीर जी फलाना सरपंच उहने आह कर लिया रहे सानूं उहदे नाल कोई भी मतलब नहीं। हुण वेखो दौत कहिंदा कहिंदा सचमुच तू उन्हां नूं तिलकण वालियां थावां च रखदा अते तू उन्हां नूं बर्बादी विच सुट देंदा उह छिन मात्र विच किहो जे उजाड़े गए वह मुक गए पैजल मिच डर लिखा डर वह पैजल नाल मिट गए। हे प्रभु सुपने ते जगाउण वांगू जां तू उठेगा तो उन्हां दी शकल नूं तुच्छ की करेगा। तारीफ करो हुण फिर प्रभु कहिंदा दौत कहता प्रभु तू उन्हां दी शकल नूं तुच्छ जानेगा। हुण समझ लगी एक धर्मी बंदा दूजे वाले वेख के लाला क्यों सुटदा? हालेलुया हाय इन्हें ने आ बना लिया इन्हें वह कर लिया काम कि करना चिट्टा पाउडर अच्छा 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 चलो जी पुलिस आ गई घर फड़ो जी फड़ो फिर वो डंडा नवा नूह नूं की इज्जत हैगी वह बंदे की बोलो भी बोलो। ये वचन उन्हां लोकां लई 73 जबूर 100 जिहड़ा स्टार्टिंग दा जबूर आन कॉम्बीनेशन करो ये तुहानूं समझ लगे तुसीं लोकां नाल वेखो एक अद्धी रोटी भी खाण दे ना ते बेस्ट बने रहो अड़े ते खड़े रहो एक दिन तुहानू बहुत ज्यादा ते प्रभु मातबर की करेगा। बाइबल च लिखा जिहड़ा थोड़े विच मातबर नहीं आ वह बहुते च कदी भी मातबर हो सकता भी। बस जे मेरे को अज भावें मैं घर कित्थे करन डिया बंदगी मैनू फेथ करन दी लोड़ है एक दिन मैनू थोड़े जो प्रभु बहुत ज्यादा देन दी सामर्थ की आ मेरी कलीसिया थोड़ी है भावें जिन्ने भी आ मैं तुहाडे विच ही लखां नाल ब्लैस है जिन्ने लोग सुनते हैं मेरे घर च कीड़ी की नहीं आ चोरी थोड़ी की मैं अज तक परमेश्वर को डरता कोई मेरा पुलिस रिकॉर्ड नहीं है कोई मैं अज तक पंचायत अपने माता पिता नहीं खड़िया किन्ने लोग सुन दे। समझ आ रही? मेरे चाचे ताया चेक कर लो तुम आपे पता लग जाए भी उन्हों का ही आ हूँ तुम कहना यार उन्हों का बंदा वो पास्टर आ ये गलत क्यों आ पर बड़ा वड्डा कारण आ। बाइबल च लिखा जिहड़ा शमूएल सी वह कित्थे रहिंदा सी एली के पुत्रा विच एली के दोवें पुत्र गलत सी पर वह दोनों के विच रह के प्रॉफिट सी किन्ने लोगों को पता वह प्रॉफिट सी। कमल का फुल कित्थे खिड़दा? बोलो चिकड़ दे विच। खुदा हमेशा उत्थों चोण करता बंदियां दी तुम ये ना सोचो उत्थों डिगदा जिहड़े बंदे ने अज भी वचन सुन लिया समझ लो ब्लैस आ क्योंकि वेखो वचन उन्हां लई आ अज दे वचन तुहानूं समझ लगनी चाहीदी। तुहाडे पिंड च जिन्ने मर्जी मीर आ वह दो नंबर करन पंज करन सानूं पता साडी रोज़ की रोटी प्रभु का वचन आ साडी रोज़ की रोटी खुदा की बंदगी आ साडी रोज़ की रोटी साडी हीलिंग आ चंगियाई आ। बस आपां केवल ध्यान तुहाडे लागे पए गड्डी जवे 40 लाख की होवे सानूं उहदे नाल कोई भी मतलब। तारीफ करो जोर दे नाल। इस करके मेरे भैण भरा अज का मैसेज यही आ दुष्टां दी मत ते नहीं चलना। 92 दे विच अपना कंप्लीट हो चुका की लिखा कि दुष्ट जदों घा वांगू फुटदे हन
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਫੁੱਲਦੇ ਅਤੇ ਫਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੀ ਮੈਂ 12 ਐਤ ਪੜਾਂਗਾ, 92 ਦੀ 12 ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਲਿਬਨੋਨ ਦੇ ਦਿਆਰਾ ਵਾਂਗਰ ਵਾਧਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਹਾਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਹਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਸੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। 12 ਔਰ 13 ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਟਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਚੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਗਵਾਚੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੰਗਡਮ, ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਬਾਜੇ ਰੇ ਯਸ਼ੂ ਕਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਗੜੇ ਬਣੇਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ? ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਸੌਂਗ ਗਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੁਣਨੀ। ਫਾਲਤੂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਘਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਆਦਤ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਿੜਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਅਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਿ ਯਹਾਵਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਰਮੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ, ਚਟਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੱਥਰ। ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਉਹੀ ਖੁੰਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ, ਉਹ ਚੰਡ ਵਾਲਾ ਟੱਪਾ ਨਾ, ਕੀ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ, ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾ ਨਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ 'ਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀਆਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਗਵਾਈਆਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਦੇ ਮਣਕਣੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਮਣਕਣੇ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਗਲੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਜਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜੀਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਮੀ। ਔਰ 2023 ਚੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 7 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਕਦੀ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਗਏ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਦੀ ਐਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬਣਦੇ ਕੀ ਆ? ਆਮੀਨ। ਤੋ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।
लास्ट हाँ हाँ